जोगिंदर नगर की ग्वाला हरिजन बस्ती जल्द ही सड़क से जुड़ेगी, ये जानकारी विधायक प्रकाश राणा ने दी। जानकारी के अनुसार ग्वाला हरिजन बस्ती का शिष्टमंडल वार्ड मेंबर शेर सिंह की अध्यक्षता में अपनी मांगों को लेकर विधायक प्रकाश राणा से मिला। इस अवसर पर विधायक ने कहा कि इस बस्ती में पहले भी सड़क बनाने की कोशिश की गई, लेकिन जमीन की समस्या के चलते सड़क नहीं बन पाई। अब जाकर जमीन की समस्या हल हुई है। उन्होंने कहा कि उन्होंने विभागीय अधिकारियों से बात की है। उन्होंने कहा कि वे सड़क निर्माण हेतु 50,000 टोकन मनी डालने की भी घोषणा करते हैं व जल्द ही इस गांव के लिए एम्बुलेंस योग्य सड़क बना दी जाएगी। इसके अलावा विधायक ने कहा कि महिला मंडल लोअर ग्वाला हरिजन बस्ती को 10,000 रुपये फर्नीचर हेतु स्वीकृत किए थे, लेकिन वे एक बार फिर से 10,000 रुपये और देने की घोषणा करते हैं। मैं बात करता हूँ, हमारी पंचायत लड बड़ोल का एक ग्वाला गांव है और एक इसमें ऐसी जो बस्ती है जो ग्वाला में आती है, इनकी पंचायत लड बड़ोल है। इनकी सबसे बड़ी समस्या है, ऐसा नहीं कि हमने इस समस्या को हल करने की मैंने कोशिश की, लेकिन ये जो इनको रोड आज तक नहीं है। कितने घर हैं वहाँ पर भाई? तकरीबन आपके 25 ऐसी कम्युनिटी के 25 घर हैं। तो हमने कोशिश की थी, लेकिन ज़मीन की वजह से मैंने एक बार मशीन लगवाने की भी कोशिश की, रिक्वेस्ट भी की, किसी की लैंड आ रही थी, लेकिन उन्होंने उसको भी रोक दिया था। आज मुझे खुशी की बात है कि हम इनका जो FRA की जो फाइल इनकी तैयार हुई है, और मैंने अभी डिपार्टमेंट SDO लड बड़ोल से जो बात की और उन्होंने कहा कि इनकी फाइल बिल्कुल रेडी है, उसमें टोकन मनी डालने हैं, तो मैं इनको 50,000 जो है टोकन मनी अपनी विधायक निधि से डालने की घोषणा करता हूँ। और आगे जो है इनका बड़ी जल्दी हम जो है इसको केस को हम क्लियर करेंगे, जैसे कि बता रहे हैं 3-4 हफ्ते के अंदर, और जैसे रोड क्लियर होगा तो हम एम्बुलेंस रोड ग्वाला हरिजन बस्ती के लिए इसके लिए फंड डालेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। दूसरा, इनका महिला मंडल जो है इनके लिए भी पहले फर्नीचर के लिए हमने पैसा डाला था, आज और मैं 10,000 रुपये इनको बाकी जो भी आपके काम है मुझे खुशी है। हम भी चाहते कि हर गांव में रोड बने और हम इस रोड को बनाने में कामयाब होगी। मैं धन्यवाद। एक वार्ड मेंबर जो हमारे यहाँ पर जो है ग्वाला जो गांव के हैं उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। मंडल उपरली धार नरमेलरी, मैं आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद करता हूँ प्रधान जी और सब मेंबरों का। ये इनकी एक शिकायत है कि एक जो इनका रोड है जो कच्चा है, आज तक पक्का नहीं है, तो मैं उस रोड को जो है मनरेगा PWD में उसको लेने की मैं आज घोषणा करता हूँ कि उसके लिए हम PWD में लेने की पूरी कोशिश करेंगे। अब वो प्रस्ताव में गया नहीं गया मैं उसको देख लेता हूँ, फिर भी हम कंक्रीट डालने के लिए जो है इसमें मनरेगा PWD में 5,00,000 डालने की हम घोषणा करेंगे इसके लिए। दूसरा जो है, लेकिन उसको समय लगेगा, दूसरा जो है इनका महिला मंडल के लिए, इनके लिए फर्नीचर के लिए पैसा एक बार तो आया है, दूसरी बार आज फिर मैं आपको 10,000 डालने की घोषणा करता हूँ। तीसरा, आपकी जो है एक लाइट इनके उधर महिला मंडल में नहीं है, इनके गांव में नहीं है, एक लाइट देने की मैं घोषणा करता हूँ आपको। और बाकी आपकी जो पंचायत प्रधान का भी मैं धन्यवाद करता हूँ, प्रधान का भी, इन्होंने भी 40 लाइटों का हमसे लिख के हमने भेजा है, जो ये DO गए है आपकी पंचायत को मिले, वो आएगा, जरूर आएगा। बाकी और जो भी है आपके जो काम होंगे हम एक एक करके सबको पूरा करेंगे। एक बार फिर मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो आपकी मांग है हमने पूरी की है। हिमाचल दस्तक, WebTV के लिए जोगिंदर नगर से अमित सूद।